नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल टोंग से संजीवन पॉजिटिव पेरेंटिंग में आपका स्वागत करती हूँ। यदि आपकी डिलीवरी अभी हुई है और आप फीडिंग मॉम हैं तो आपको आपके आहार पर विशेष ध्यान रखना है। माँ का दूध शिशु के लिए अमृत तुल्य है, इसीलिए डिलीवरी के बाद शिशु को कम से कम 6 मास तक माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। माँ के दूध से ही शिशु का भरण पोषण होता है, इसीलिए आवश्यक है माता का संतुलित आहार लेना। यदि माता संतुलित आहार लेती है तो उससे दूध अच्छा आएगा और शिशु का पेट अच्छे से भरेगा। माँ के दूध से शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वह बीमारियों से दूर रहता है। लेकिन क्या आप जानती हैं, आपके खाने में कुछ ऐसे पदार्थ यदि आप खाती है जिनके सेवन से दूध की मात्रा और गुणवत्ता के साथ स्वाद भी प्रभावित होता है और उससे शिशु को तकलीफ भी हो सकती है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे वह कौन कौन से खाद्य पदार्थ है जिन्हें आपको यानी फीडिंग मॉम को, न्यू मॉम को अपने आहार में अवॉइड करने हैं। नंबर 1, खट्टे फल। यदि आप फीडिंग करती है तो आपको खाने में खट्टे फल नहीं खाने हैं या खट्टे फलों का सेवन आपको कम करना है। कभी कभी नींबू, संतरा, आंवला ऐसे खट्टे फलों का ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से शिशु के पेट में जलन हो सकती है तथा उसे दस्त लग सकते हैं, शरीर पर बारीक बारीक दाने आ सकते हैं। इसीलिए यदि ऐसे लक्षण आपको शिशु में दिखाई दे तो माँ ने खट्टे फलों का सेवन बंद करना है या खट्टे फलों का सेवन कम करना है। नंबर 2, कभी कभी शिशु को गैस की समस्या दिखाई देती है, तब यह जानना जरूरी है कि माँ ने खाने में क्या खाया है, क्योंकि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो गैस पैदा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रोकोली, आलू, छोले, चने, गोभी, मूंगफली, राजमा इत्यादि। यदि इन खाद्य पदार्थों को खाने के बाद आपके शिशु को गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इन्हें खाना बंद करना है, और प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो माँ इनका सेवन अवश्य कर सकती है। नंबर 3, फीडिंग मॉम ने कुछ प्रकार की मछलियाँ जिनमें मर्क्यूरी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि किंग मैकरल, टाइगर फिश, शार्क, सॉल्ट फिश इत्यादि, इन फिश को आपको नहीं खाना है। आप यदि नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप सार्डिन, केकड़े जैसी फिश को आहार में शामिल कर सकती है जो कि सुरक्षित होती है। नंबर 4, अधिक चाय, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक। चाय, कॉफ़ी में कैफीन होता है। यदि माता दिन में 4 या 5 कप से ज़्यादा कॉफ़ी या चाय का सेवन करती है तो इससे कैफीन की मात्रा बढ़ सकती है और वह कैफीन ब्रेस्ट फीडिंग के माध्यम से शिशु में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके कारण शिशु में अधिक रोने के साथ साथ सोने में भी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा फीडिंग मॉम ने शराब से पूरी तरह परहेज करना है। 5वीं चीज़ जो फीडिंग मॉम ने अपने आहार में नहीं लेनी है वह है अधिक मात्रा में मीठा खाना। फीडिंग मॉम ने अधिक मीठे खाद्य पदार्थों से बचना है, क्योंकि इससे बच्चे बड़े होने पर मोटापे और मधुमेह का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह फैटी फूड भी आपको अवॉइड करना है। नंबर 6, केक, पेस्ट्री, पिज्ज़ा, बर्गर जैसे खाद्य पदार्थों को आपको नहीं खाना है। यह खाद्य पदार्थ शिशु के मस्तिष्क के विकास पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, इसीलिए इन्हें भी अवॉइड करें। यह तो हो गई बातें उन चीज़ों के बारे में जो गर्भवती ने कम खानी है या अवॉइड करनी है। ऑन द अदर हैंड, स्तनपान कराने वाली माता ने अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फल, फ्रूट, जूस, दूध, घी, अंडा, ड्राई फ्रूट्स को शामिल करना है, जिससे दूध भरपूर आ सके, माँ भी स्वस्थ रहे और शिशु भी स्वस्थ रहे। तो इन बातों को फॉलो करें और अपने पेरेंटिंग का आनंद उठाए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करें आपके पेरेंटिंग का हर क्षण संजीवन पॉजिटिव पेरेंटिंग के साथ। धन्यवाद।